नमस्ते दोस्तों, बीए पार्ट टू राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत। हिंदी साहित्य में सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है हम उस पर बात कर चुके हैं और कक्षा में भी हम समझ चुके हैं कि इसके दो पार्ट होंगे। पहला गद्य और पद्य में से पद्य तथा दूसरा पेपर जो होगा वो गद्य का होगा। गद्य पोर्शन में हमें कई चीज़ों के अलावा एक नाटक भी हमारे सिलेबस में है। उस नाटक का जो नाम है वो है कोणार्क। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, कोणार्क एक ऐसा नाटक है जिसे हिंदी साहित्य का युगांतरकारी नाटक कहा जाता है। काफ़ी मेहनत से लिखा गया यह नाटक हमारे हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदी साहित्य में जब नाटकों की विधा या एकांकी की बात होती है तब कोणार्क का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। कोणार्क एक बार आप मूल रूप से नाटक जो हैं वो पढ़ें और फिर इस को पुनः सुनें तो आपको पता लगेगा कि इस समीक्षा का क्या तात्पर्य है। आइए हम बात करते हैं इसकी समीक्षा की। इसे हमने जो नाम दिया है वो नाम दिया है कोणार्क, एक शिल्पी का प्रतिशोध। अगर आप नाटक को पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इस नाटक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस प्रकार से एक शिल्पी प्रतिशोध लेता है। कुबेरनाथ राय और धर्मवीर भारती ने समर्पित कला साधक को संपाती के तुल्य बताया है, सौंदर्य का ऐसा उपासक जो सच्ची कला को निरावरण देखने की अभीप्सा लिए उस लोक तक पहुंच जाता है जहां अनावृत सौंदर्य को नंगी आंखों से देखना वर्जित है। लेकिन वह कहां मानने वाला, वह तो सावयव उस उद्गम तक पहुँचता है जहाँ आँखें चौंधियाती है, प्राणवायु अवरुद्ध हो जाता है और वह अपने पंख जलाकर औंधे मुंह धरती पर आ गिरता है। फिर भी इस भयावह परिणति की परवाह किए बिना वह निकल पड़ता है अक्षत सौंदर्य का अपरूप साक्षात्कार करने। दुनिया की महान कलाकृतियों में मानवीय कल्पना, मेधा, पराक्रम और त्रासदी की न जाने कितनी रहस्य कथाएं खामोशी के साथ सो गई हैं। ये स्मारक तो आज भी उस भव्य अतीत के उन्नत ललाट पर लेकर इतरा रहे हैं, लेकिन इन्हें सृजने वाला शिल्पी अपने अपूर्व सौंदर्य का प्रतिदर्श रचकर गुम हो गया। अपनी कल्पना को आकार देकर वह स्वयं कोई पहेली बन गया। उसकी रचना को पुराण इतिहास में भरपूर जगह मिली, लेकिन वह न समझे जाने योग्य कोई गल्पसा हो गया। उसकी प्रशस्ति हेतु न कोई पुनश्चर्या है और न ही कोई अवलंब या सहारा है। जब हम कोणार्क की बात करते हैं तब हमें इतिहास बताता है कि पुरी से 19 मील दूर कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर अवस्थित है। दूर दूर तक कोई पर्वत श्रृंखला नहीं, लेकिन दैत्याकार शैलखंडों से निर्मित यह मंदिर टूटे हुए विमान के साथ सदियों से भग्न अवस्था में खड़ा है। मध्यकालीन परिवहन और यातायात के अभाव में भी जिन स्रोतों और मार्गों से लाकर शिलाखंडों को यहाँ स्थापित किया गया, सचमुच वह पुरुषार्थ अकल्पनीय है। अपने संपूर्ण रूप में सूर्य मंदिर जगह जगह से खंडित है।
उड़ीसा की शिल्प श्रृंखला में पराकाष्ठा तक पहुंची विद्याधरों की यह अंतिम कड़ी है। इतिहासकार बताते हैं इसमें कभी पूजा नहीं हुई, मंत्रोच्चार से नितांत निर्लस उजाड़ यह देवस्थान जैसे आप ही सूर्य के प्रवाह से जला पड़ा है। उड़ीसा में मंदिरों भवनों की एक सुदीर्घ परंपरा, सर्वाधिक नूतन किंतु नष्ट प्राय यह धरोहर पुरातत्वविदों को और भी अचरज में डालती है। मंदिर अपने प्रारूप में 24 पहिए का एक विशाल रथ है जिसे 7 अश्व खींच रहे हैं। इसका भव्य आकार देखकर उदात्त कल्पना भी फीकी पड़ जाती है। स्थूल भित्तियों पर सूक्ष्म चेष्टाओं के साथ अनेक मुद्राएं सधे चित्रकार को भी हैरत में डाल देती है। इनकी भाव प्रवणता देखकर कवि भी अचरज में पड़ जाते हैं। इसके सामने तमाम शिल्प तेजहीन लगने लगते हैं और आधुनिक शिल्पकार स्तंभित हो जाते हैं। बड़े बड़े महारथियों का पराक्रम इसके सम्मुख बचकाना लग सकता है। भारतीय स्वतंत्रता के 4 साल बाद जगदीश चंद्र माथुर ने अपनी अनुपम नाट्य कृति कोणार्क का प्रणयन किया। सदियों बाद जब इस देश में सब कुछ नए सिरे से निर्मित हो रहा था, वे भारत के गौरवशाली अतीत में पहुंच जाते हैं जहां महाप्रतापी नरसिंह देव का साम्राज्य विलस रहा था। यद्यपि नाटककार ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की, लेकिन उड़ीसा में प्रचलित लोक श्रुति को हूबहू स्वीकार न करके उससे कल्पना के लिए थोड़ा अवकाश जरूर ले लिया। रचनाकार के लिए यही रंध अभिप्रेत है जिसमें प्रविष्ट होकर वह 1000 साल पीछे पहुंच जाता है। नाटक का जो मुख्य चरित्र शिल्पकार विशु है, विशु उसका छद्म नाम है। पहले वह श्रीधर हुआ करता था। श्रीधर एक शबर बाला पर आसक्त हो जाता है, लेकिन उसके गर्भ धारण करने पर लोक लाज के भय से वह आत्मनिर्वासन ले लेता है। उसके निर्वासन का कारण उसकी भीरुता है। वह जगत के प्रश्नों से मुंह छिपाकर भाग जाता है। उसमें विद्रोह करने की सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उसके भीतर इच्छाएं शेष थी। वासनाओं का ज्वार थमा नहीं था, महत्वाकांक्षा हिलोरे ले रही थी, किंतु वास्तविक मरुभूमि उसे जला रही थी। अब कला ही उसके लिए साध्य और साधन थी, कल्पना ही उसके जीवन का व्याज था। वह प्रतिज्ञ होता है कि उसे जीना है तो रचना होगा, रचे बिना कुछ नहीं, न इस पार न उस पार। विशु 12 वर्षों से अनवरत कोणार्क की रचना में दत्तचित्त होकर लगा हुआ है। 12 वर्ष का समय कम नहीं होता, तो 12 वर्ष तक वह निरंतर लगा रहता है कोणार्क की रचना में। उसके साथ 1200 अन्य शिल्पी और हजारों की संख्या में श्रमिक इस महत् कार्य में जुटे हैं। अन्न जल और अनेक आवश्यकताओं से बेपरवाह सबकी एक ही अभीप्सा है, मंदिर अपूर्व और कालातीत कीर्ति का साक्षी बने। महाराजा नरसिंह देव प्रजावत्सल और कला प्रेमी थे। साहित्य, संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के लिए उन्होंने अपना कोष खोल दिया था। मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने विशु को प्रधान शिल्पी बनाया और अन्य शिल्पियों व श्रमिकों की सारी सुविधाओं का निर्देश चालुक्य राज को देकर बंग विजय पर चले गए। चालुक्य महत्वाकांक्षी कपटी और कलाओं से पूर्णतया निसंग था। उसने समस्त शिल्पियों और मजदूरों की स्वर्ण मुद्राओं यानी जो उनको मेहनताना मिलता था पारिश्रमिक, उस पर रोक लगा दी और आदेश दिया कि यदि 7 दिन की अवधि में मंदिर का त्रिपट धर स्थापित न हुआ तो सभी 1200 शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे। इस तरह का क्रूर बर्ताव वह महाराज की आड़ लेकर कर रहा था। मंदिर का उन्नत त्रिपट धर स्थापित करने में विशु असहाय हो गया। कोई ऐसी जुगत काम न कर रही थी जिससे मंदिर का ऊपरी हिस्सा स्थिर किया जा सके। यदि त्रिपटधर स्थापित न हुआ तो 12 वर्ष का समय और अपरिमेय श्रम का नाश तो होगा ही, अपयश का कलंक भी उसके मस्तक पर मर दिया जाएगा। विशु किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका था। उसकी कल्पना अंधेरे में राह तलाश रही थी।
जिस कला की उसने जीवन भर साधना की आज वह मान पर बैठी थी। सूर्य प्रकाश का अधिष्ठाता है और प्रसिद्धि का अधिपति भी, जबकि बृहस्पति और चंद्रमा विद्या व कला के स्वामी हैं। ज्योतिष विज्ञान में यदि जातक का सूर्य अवनत दशा में हो तो कला विद्या का चिर अभ्यासी भी कीर्ति से वंचित रह जाता है। वह मानता है विषु प्रायश्चित करने की दशा में खुद पर सूर्य का अध्यारोपण कर लेता है। वह मानता है कि उसका अपराध भी सूर्य जैसा है, जैसे सूर्य कुंती पर सहसा आसक्त होकर उसे लांछित कर देता है, कर्ण को अनाथ कर उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है। उसी तरह का अक्षम्य अपराध मैंने भी किया है, ऐसा वह विषु मानता है। निष्णात शिल्पी हाथ पर हाथ धरे खुद मूर्ति बन गया। उसकी सूक्ष्म कला दृष्टि और बलिष्ठ हाथों ने जितने कौशल से निर्माण कार्य किया था, परिणति से पहले वह आकार लगने लगा था। शिल्पियों ने सोचा भी न था कि कलश स्थापना उनके लिए इतनी बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसी दौरान एक नाटकीय घटना क्रम में धर्मपद का आगमन होता है। धर्मपद एक किशोर आशु शिल्पी है। उसकी कला में अपूर्व ओज है। यह ओज कई बार दर्प और औदत्य में व्यंजित भी हुआ है। वह कलश स्थापना के लिए आतुर है। धर्मपद की गर्भोक्तियों से विषु को धक्का लगता है। विषु को नहीं मालूम धर्मपद उसी शाबर स्त्री का पुत्र है जिसे वह 17 साल पहले छोड़ आया था। विषु ने अपनी भीरुता और नकारेपन को कला से ढक दिया। एक बार वह असफल प्रेमी सिद्ध हो चुका था। दोबारा वह सर्वश्रेष्ठ शिल्पी का मुकुट उससे छीना जाने वाला था। जब विषु की गर्भवती सारिका का संबल विषु को गर्भवती सारिका का संबल बनना था, तब वह सर्वस्व समर्पित करने वाली प्रेयसी को छोड़ भागा। अब जबकि उसके अधीन सारे शिल्पी और श्रमिक अपनी जान की परवाह न करके उसका सहयोग कर रहे थे, मृत्यु और विद्रोह उसे संतस्त कर रहा है, विषु एक मायावी वायवी लोक में संघर्ष कर रहा है। उसे नहीं मालूम गर्वोक्ति अभिमान और प्रचंड आत्मविश्वास से भरा हुआ धर्मपद अभावों में जूझ कर खड़ा हुआ है। उसकी माँ ने दूसरों के यहाँ श्रम करके उसे पाला है। वह कला और धर्म को आसन्न नैतिक दायित्वों से विलग करके नहीं देखता। आज विषु प्रधान शिल्पी के सम्मानित पद पर है। उसके पास ऐश्वर्य है। वह कला की मीमांसा करना जानता है, लेकिन कला उसका साथ छोड़ चुकी है। रचना कर्म के सूत्र कब उसके हाथों छूट गए उसे भान ही न रहा। उसके सामने खड़ा तरुण शिल्पी अपने तर्क और बौद्धिक त्वरा से विषु को निरुत्तर कर देता है। वह योद्धेय कर्म में निपुण है। शिल्प स्पर्धा में उसके सम्मुख दूर दूर तक कोई नहीं। विषु से धर्मपद पूछता है, आपके शिल्पी मजदूर अन्न जल के अभाव में प्राण त्याग रहे हैं, उनकी स्त्रियों का शील हरण हो रहा है, उन्हें उनकी भूमि से वंचित किया जा रहा है, ऐसे में कला की बात करना क्या न्यायोचित है? जब विषु समझाता है उसे कि शिल्पियों को राजकाज के कर्मों से खुद को अलग रखना चाहिए, तब धर्मपद विद्रोही बन जाता है। धर्मपद की तर्कणा अकाट्य है। वह आत्मबल सुमोरू की तरह अडिग है। उसकी कला में चंद्रमा की व्याप्ति है, उसमें करुणा की पाताल गंगा फूट रही है, और उसके सामने विषु दुनिया का सबसे दीन व्यक्ति है। प्रेम से वंचित, कला से बहिष्कृत, आत्म दौर्बल्य के सागर में हिचकोले खाता डूबने की कगार पर प्रतिभावान धर्मपद न केवल शिल्पियों का मान रखता है, बल्कि सब उसके वशीभूत भी हो जाते हैं। फलतः इस विपरीत घड़ी में विषु प्रधान शिल्पी का अपना पद धर्मपद को दे देता है। तरुण धर्मपद अपनी चतुरता और तकनीकी दक्षता से 7 दिन में ही शिखर को स्थापित करने में सफल हो जाता है। फिर शुरू होता है एक विप्लव, दुर्भिसंधि का एक अपूर्व प्रतिकार, जिसमें अपने राज्य के क्षेत्ररक्षण का दायित्व है, कला और अपने आराध्य पर सर्वस्व न्योछावर करने का समय है। इसमें सभी शिल्पी और मजदूर शामिल हो जाते हैं और
अंततो गत्वा इस आपद धर्म में सर्वनाश हो जाता है। बचती है एक खंडित कला, एक अपूरित प्रेम और उसकी रहस्य गाथा। कोणार्क संश्लिष्ट अर्थों की मंजूषा है। इसका औत्सुक्य पाठकों दर्शकों को डुबो देने वाला है। इसकी भाषा ओजपूर्ण है और चित्त को आकर्षित करती है। कलाकार के भीतर उपजते तमाम अंतर्द्वंद्वों का यह समाहार करने वाली है। सचमुच 3 अंकों की यह नाट्यकृति अद्भुत है। इसे मूल रूप से एक बार पढ़ें इसे, और मूल रूप में पढ़ने के बाद उसके बाद पुनः इस समीक्षा को सुने, ध्यान से समझें और इसकी जो मुख्य मुख्य पंक्तियां हैं उसका भावार्थ करने का भी प्रयास करें, और इसके पीछे जो इसकी कला दृष्टि है उसके मर्म को अपने अंतस्थल में उतारने का पूरा प्रयास करें। यह हमारे युग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। धन्यवाद।